हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई खुशी क्रिएशंस। तो आज है शरद पूर्णिमा और हम आज के इस वीडियो में शरद पूर्णिमा की कथा सुनने जा रहे हैं। तो जो शरद पूर्णिमा है उसे कोजागरी पूर्णिमा भी बोलते हैं, कमला पूर्णिमा भी बोलते हैं, शारदोत्सव भी बोलते हैं, कौमुदी उत्सव भी बोलते हैं। तो आइए और आज के दिन माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए पूजा करके व्रत रखा जाता है। आइए जानते हैं इस व्रत की कथा, शरद पूर्णिमा की कथा। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा को प्राप्त करने के लिए एक साहूकार की दोनों बेटियां हर पूर्णिमा का व्रत किया करती थी। इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से और पूरा व्रत करती थी। वहीं छोटी बेटी व्रत तो करती थी लेकिन नियमों को आडंबर मानकर उनकी अनदेखी करती थी। विवाह योग्य होने पर साहूकार ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। संतान का जन्म तो छोटी बेटी के घर पर भी हुआ लेकिन उसकी संतान पैदा होते ही मर जाती थी। दो तीन बार ऐसा होने पर उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी व्यथा कही और धार्मिक उपाय पूछा। उसकी सारी बात सुनकर और कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो और जो तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो उसी के कारण से तुम्हारा व्रत फलित नहीं होता और तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लगता है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत पूरे विधि विधान से करने का निर्णय लिया। लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़े पर लिटा दिया और ऊपर से एक कपड़ा इस तरह ढक दिया कि किसी को भी पता न चले कि उस कपड़े के नीचे उसका बेटा लेटा है। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी उसके लहंगे की किनारी बच्चे को छू गई और वह तुरंत जीवित होकर रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई और फिर छोटी बहन पर क्रोधित होकर उसने उसे डांटने लगी कि तुम क्या मुझ पर बच्चे की हत्या का दोष और कलंक लगाना चाहती हो, मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता तो। इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया, बहन यह बच्चा मरा हुआ तो पहले से ही था, तुम्हारे तप और स्पर्श के कारण तो यह जीवित हो गया है। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत और तप करती हो उसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो। अब मैं भी तुम्हारी ही तरह व्रत और पूजन किया करूंगी। इसके बाद उसने पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक किया और इस व्रत के महत्व और फल का पूरे नगर में प्रचार किया। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी और श्री हरि ने साहूकार की बड़ी बेटी की कामना पूर्ण कर सौभाग्य प्रदान किया और उसकी छोटी बेटी के बेटे को भी पुनर्जीवित किया, वैसे ही श्री हरि और विष्णु श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी हम पर भी अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। कहानी कहते वाले पर भी, कहानी सुनने वाले पर भी और सभी के ऊपर भगवान श्री विष्णु और लक्ष्मी माता की कृपा सदैव बनी रहे। धन्यवाद। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल साई खुशी क्रिएशंस को सब्सक्राइब जरूर करें और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जरूर फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।